सॉफ्टवेयर पैकेज होता है, राइट। सॉफ्टवेयर पैकेज भी इसलिए बोला गया कि इसमें इंक्लूड होते हैं हम लोग का एमएस वर्ड, राइट। सॉफ्टवेयर पैकेज में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड एमएस पावरपॉइंट। एमएस स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। तो इसमें जो काम करना होता है आपको डॉक्यूमेंट बनाने में होता है। एक्चुअली जो यूज हमें करना है, जिसके बारे में बात करना है, हमें एमएस वर्ड के बारे में बात करना है। एमएस वर्ड में काम ये होगा कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, डॉक्यूमेंट क्रिएट भी करना होता है, मैनिपुलेट भी करना होता है, कुछ एडिटिंग्स भी करने होते हैं, राइट। और उसको एक कंप्यूटर स्क्रीन में काम किया जाता है एक प्लेटफॉर्म के थ्रू से, जो एक एमएस ऑफिस होता है, एक पैकेज होता है जिसमें इंक्लूड होते हैं हम लोग एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड पावर पॉइंट। एमएस इट मींस स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, राइट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम लोग एक्चुअली में नाम जानते हैं इसको वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से, राइट। वर्ड प्रोसेसिंग इनमेंस क्या होता है कि इसमें हम लोग कुछ प्रोसेसिंग कर सकते हैं वर्ड के साथ में, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के इन बिटवीन हम लोग क्या करते हैं, कंटेंट टेक्स्ट को क्या करते हैं, फॉर्मेट भी करते हैं, एडिट भी करते हैं, राइट। तो एमएस वर्ड में हम लोग जो कर सकते हैं, एमएस वर्ड में जो हम काम कर सकते हैं, एक एडिटिंग का काम कर सकते हैं, एडिटिंग, इंसर्टिंग, मैनिपुलेट, मैनिपुलेशन, इट मींस मैनिपुलेशन, राइट। इतना करने के बाद एडिटिंग, इंसर्टिंग, एडिटिंग इट मींस क्या हो सकता है, सपोज हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, राइट, किसी का इंफॉर्मेशन मुझे बनाना है, सपोज यहाँ पे किसी के बायोडाटा बनाना है, तो उसके बारे में मुझे राइट करना पड़ेगा। राइटिंग जो होगा एज ए टेक्स्ट, टेक्स्ट बोलेंगे उसको, जो भी राइट होगा एज ए टेक्स्ट के रूप में होगा काम। तो टेक्स्ट मुझे लिखना है, राइट। तो ये क्या एक टर्म का इंसर्टिंग कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, राइट। इसके बाद क्या देखेंगे, इसमें एडिट करना होता होगा, हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, कंटेंट सही तरीके से नहीं आ रहा होता है, एडिट करना पड़ेगा एंड मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, उसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं हम लोग, राइट। देख इतना करने के बाद इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं एज ए प्रिंटर। इतना काम एडिट करने के बाद, हम लोग पूरा फॉर्मेट बनाने के बाद क्या किया जाता है, उसको एक हार्ड कॉपी में निकाला जाता है, राइट, जो कि प्रिंटर के थ्रू से हमें अवेलेबल होता है, प्रिंटर थ्रू से अवेलेबल होता है, राइट। तो इतना क्रिएट करने के लिए जो हमें टर्म चाहिए एमएस वर्ड को क्रिएट करने के लिए, एडिटिंग, इंसर्टिंग एंड मैनिपुलेशन, एंड इट प्रोसेस बाय द प्रिंटर। एंड वन थिंग, एमएस वर्ड इट मींस वी कैन से वर्ड प्रोसेसिंग ऑल्सो नोन एज वर्ड प्रोसेसिंग, थ्रू द एमएस वर्ड वी कैन क्रिएट डॉक्यूमेंट, क्रिएट डॉक्यूमेंट, राइट। तो आप जानते हैं एमएस वर्ड तो हमने देखा यहां पे, उसके बाद इसको क्या करना होता है, इसको ओपन कैसे किया जाता है, हमारे सिस्टम में ओपन कैसे होगा ये, राइट। सबसे पहले तो हमें एक एप्लीकेशन चाहिए एमएस ऑफिस का, एक सॉफ्टवेयर पैकेज चाहिए, उसको क्या करना होगा, इंस्टॉल करेंगे हम लोग, राइट। इंस्टॉल करने के बाद हमें सर्च करना है, क्या काम करना है, हमें एक वर्ड क्रिएट करना है, वर्ड क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड हम लोग सर्च करेंगे, उसके बाद उस पर काम करेंगे, कैसे काम करते हैं देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जा रहा है हम लोग को स्टेप है कि हम लोग को ओपन कैसे करना है, हाउ टू ओपन, हाउ टू ओपन एमएस वर्ड। सबसे पहले जाएंगे हम लोग फर्स्ट में स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन, राइट। और इसमें एक होगा टास्क बार, विंडोज का टास्क बार, इसी में होगा विंडोज टास्क बार, विंडोज टास्क बार, टास्क बार इट मींस क्या होगा, एक विंडोज का लोगो होगा, राइट, उसको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने एक स्क्रीन है ये कंप्यूटर का, ठीक है, तो यहाँ पे एक टास्क बार होगा जो कि एक व्यू जो होगा किस तरीके से विंडोज का व्यू होगा, तो इसको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद
और प्रोग्राम्स का यहाँ पे ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आएगा एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, राइट। तो एमएस ऑफिस पे हम लोग क्लिक करेंगे। एमएस ऑफिस को क्लिक करने के साथ हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, इसमें एमएस वर्ड, एक्सेल, जो भी हम चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या काम करना है, एमएस वर्ड का काम करना है। एमएस वर्ड को हम लोग क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा न्यू पेज इस तरीके से। तो यहाँ पे बहुत सारे हम लोग टूल्स होंगे, यहाँ पे लिंक होगा, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से एक हम लोग का ब्लैंक पेज ओपन होगा। सबसे पहले एक ब्लैंक पेज ओपन होता है, उसके बाद हमें सारा काम इस पे करना होता है, एक ब्लैंक पेज में, राइट। अब जानते हैं हम लोग इसी कुछ कंपोनेंट्स के बारे में, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एमएस वर्ड। इसको हटाएंगे। बात करते हैं वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एमएस वर्ड के बारे में। कंपोनेंट्स हमारे पास इतने हैं, क्विक एक्सेस बार, इट मींस क्विक एक्सेस बार, राइट, टाइटल बार, टैब, रिबन्स, स्क्रॉल बार एंड स्टेटस बार। इसके क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में हम बात करते हैं, राइट। क्विक एक्सेस बार में हम लोग क्या देखते हैं, डिस्कस करते हैं हम क्विक एक्सेस बार के बारे में, ठीक है। स्क्रीन होता है हम लोग का एमएस वर्ड का, राइट। तो सबसे ऊपर टॉप में, टॉप कॉर्नर में क्या होता है, यहाँ पे दिया होता है रिबन्स, कुछ पॉइंट्स दिए होते रहते हैं। तो इसमें एक होता है क्विक एक्सेस बार, यहाँ पे कुछ एक बटन होता है, सो क्लिक करना जाता है। तो क्लिक करने से क्या ऑप्शन होता है कि हमने ओल्ड एग्जिस्टिंग फाइल जो भी है उसको क्लिक करने से हम लोग को ओल्ड एग्जिस्टिंग फाइल जो पहले काम हो चुका है उसका ऑप्शन आएगा। देन उसके बाद अगर हम क्लिक करना चाहेंगे तो वो ओपन हो जाएगा डायरेक्टली, राइट। इसलिए इसको बोला जाता है क्विक एक्सेस बार, राइट। कस्टमाइज होता है, इसलिए कस्टमाइज भी बोला जाता है इसको, क्यों बोला जाता है क्योंकि इसमें हम लोग एक ऐड इन कर सकते हैं क्विक एक्सेस बार के, तो उसे क्या कर सकते हैं, कुछ फंक्शन को ऐड भी कर सकते हैं और उसे रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड एंड रिमूव भी कर सकते हैं टूल्स को, राइट। उसके बाद देखते हैं हम लोग टाइटल बार में होता क्या है, राइट। जैसे हमने हमारे पास एक स्क्रीन है एमएस वर्ड का, राइट। तो टाइटल बार में हमें क्या काम करना होता है, सपोज हमने कोई क्रिएट करा डॉक्यूमेंट, क्रिएट हमने डॉक्यूमेंट करा, उसके बाद क्या करना होता है, इसे सेव करना होता है, ठीक है। सेव कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, इन बिटवीन अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो कुछ हमने क्या कंटेंट बनाया है, डॉक्यूमेंट बनाया, राइट, कुछ हमने राइट किया यहाँ पे। राइट करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, जो ओपन करा है न्यू पेज हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट, इसका डिफॉल्ट नाम हो जाएगा डॉक्यूमेंट वन, एंड यहाँ पे जो होगा जिसके हम लोग काम कर रहे हैं किसके कर रहे हैं, एमएस वर्ड। ये बाय डिफॉल्ट होता है, एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट होता है जब तक इसे हम लोग सेव नहीं कर लेते, ठीक है। जब इसको सेव करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जब ओपन होगा हम लोग न्यू नेम से, सपोज हमने क्या करा, कंट्रोल एस का यूज होता है सेव करने में, CTRL+S, इट मींस सेव। सपोज हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, राइट, डॉक्यूमेंट बनाया, कुछ राइट किया हमने, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, सेव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड के थ्रू से कंट्रोल एस करने के बाद हम लोग पास एक डायलॉग बार ओपन हो जाएगा, ठीक है, जहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, सेव करने के लिए ऑप्शन देगा, सेव करेंगे तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा कि जिस नाम से हम सेव करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे कंसीडर करना है। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटर या फिर ओके बटन को क्लिक कर देंगे, राइट। ओके बटन को क्लिक करने के बाद क्या होगा, हम लोग का जो टाइटल होगा ये वाला टाइटल अब चेंज हो जाएगा किसमें, एबीसीडी में, एंड साइड में क्या हो जाएगा हम लोग का, एमएस वर्ड जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, राइट। तो सेव करने का प्रोसेसिंग क्या है, हम लोग कंट्रोल एस, राइट, ओपन करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम लोग सेव करने के बाद नेक्स्ट टाइम जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, जो सेव फॉर्मेट है एबीसीडी का वो ओपन हो जाएगा। टाइटल इज इन, इट मींस बीच में, मिड, मिडिल ऑफ द टॉप, टॉप में क्या लिखा है, एबीसीडी, नेम ऑफ द पेज ऑफ इन डॉक्यूमेंट, हम लोग का टाइटल, डिस्प्ले ऑन मीनिंग,
टाइटल इसमें बताइए, टाइटल हम लोग जिस नाम से सेव कर रहे हैं, एबीसीडी से हम लोग सेव कर रहे हैं, तो क्या आएगा, सेव करने के बाद नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, एबीसीडी एबीसीडी एनएसवाई जो ये मिड पे दिखाई देगा, राइट। उसके बाद बात करेंगे हम लोग टैब के बारे में, टैब होता क्या है, एमएस वर्ड में जो भी फंक्शनलिटी डिपेंड होती है हम लोग के टैब पे, टैब पे ही सारा वर्क फंक्शनलिटी सब डिपेंड है हम लोग का टैब पे ही, राइट। इसमें जो हम लोग को दिखाई दे रहे हैं टैब, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेन्यू एंड रिव्यू एंड व्यू, राइट। तो यहां पे बात करते हैं हम लोग होम के बारे में। यहां पे बहुत सारे बटन हो सकते हैं हमारे पास, जिसको हम लोग टैब भी बोलते हैं। यहां पे होम होगा, कीवर्ड लिख रहा हूं एच आई मीन्स इंसर्ट डिजाइन, राइट, पेज लेआउट एंड रेफरेंस एंड ऑल्सो यू हैव मेनिंग मेनिंग एज वेल एज आई हैव रिव्यू एंड व्यू। तो ये हमारे क्या है, कंटेंट है, टाइटल, टाइटल कंटेंट है तरीके से किसका, एमएस वर्ड का, जिसके थ्रू से हमें क्या करना है, काम करना है, एमएस वर्ड में क्रिएट करना है डॉक्यूमेंट जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटी यूज हो सकती है, राइट। हो सकता है किसी के थ्रू से हमें क्या करना है, जो हम लोग का दिया हुआ है फॉन्ट, फॉन्ट को भी कुछ चेंजेस करने हो सकते हैं, साइज को भी चेंज कर सकते हैं, कुछ कलर हमें चेंज करने हो सकते हैं, तो सारी फंक्शनलिटी डिपेंड करती है इन सारे टर्म पे, राइट। तो सबसे पहले जानते हैं हम होम के बारे में, ठीक है। होम, जो होम यहाँ पे हम लोग इंक्लूड है, इंसर्ट डिस्प्ले आर डिजाइन एंड रेफरेंस, ये किस पे इंक्लूड है, होगा एक टैब, इसको पूरा ग्रुप वाइज बोला जाएगा टैब, ये सारे टर्म को बोला जाएगा टैब। टैब को जब हम लोग क्लिक करते हैं तो नया टूल्स ओपन होता है यहाँ पे, जैसे हमने क्या किया, होम को क्लिक किया, होम को क्लिक किया, वैसे हम लोग टूल्स बहुत सारे नीचे आ गए जिसपे हमें काम करना है, राइट। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, न्यू पेज को ओपन कर सकते हैं, साइड में कॉर्नर में एक प्लेस होगा जहां से हमें क्लिक करने के लिए होता है, वहां से हम लोग न्यू पेज को ओपन कर सकते हैं, सेविंग भी कर सकते हैं, सेवेज भी कर सकते हैं, वहां से कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं। तो बात करते हैं कि हम लोग होम के बारे में, होम जैसे ओपन करते हैं कुछ टूल्स हमारे पास में आते हैं क्लिक करने के बाद, एक क्लिक करेंगे हम लोग पास सारे टूल्स यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, राइट। उसके बाद क्या होता है, इसमें जो भी टूल्स होते हैं उसके यहाँ पे हमें काम करना होता है, कुछ कुछ पॉइंट्स बहुत सारे दिए होते हैं। यहाँ जो मेन वर्क होता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए होता है, जो भी काम होता है होम को क्लिक करने के बाद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए होता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें जो भी कंसीडर होते हैं हम लोग क्लिक करने के बाद, इसको एक क्या बोला जाता है, टूल्स बोला जाता है, टूल्स के यूज करके हमें क्या करना है, एक वर्ड वर्ड एंड मींस टेक्स्ट के थ्रू से एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। लेकिन इसके बाद हम जानते हैं इंसर्ट के बारे में, इंसर्ट होता क्या है, इंसर्ट के थ्रू से बहुत सारी फंक्शनलिटी हो सकती है, राइट। इंसर्ट का बटन क्लिक करने के बाद हो सकता है यहाँ पे कुछ हमें इमेजेस डालने हो सकते हैं, इंसर्ट मींस क्या, कि इंसर्ट करना है किसी अलग प्लेटफॉर्म से कुछ इमेजेस ला करके या फिर टेक्स्ट ला करके हमें क्या करना है, ऐड करना है वहां पे, इंसर्ट इट मींस ऐड करना है, कीप करना है, रखना है। तो सपोज यहाँ पे हमने क्या करा, आई को क्लिक किया, राइट, आई टैब को जैसे किया, इसका भी एक टूल्स यहाँ पे ओपन होगा जिसमें बहुत सारे फंक्शन दिए हो सकते हैं, पिक्चर्स, सपोज हम पिक्चर्स हम लोग क्या करना है, इंक्लूड करना है, तो पिक्चर को हमें क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ से जाने के बाद हम लोग क्या होते हैं, अलग डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, क्लिक करने के बाद वहां से हम लोग क्या करें, जो प्लेटफॉर्म मिलेगा, जो पाथ मिलेगा, वहां पे इमेजेस होगा, वहां से सिलेक्ट करेंगे एंड इंटर कर देंगे। डिजाइन, डिजाइन एक है हम लोग के पास, डिजाइन, डिजाइन का पेज के बाद बात करते हैं हम, तो एक होता है हम लोग का ब्लैंक पेज, जिसपे अभी हम लोग काम कर रहे थे वो क्या था, एक ब्लैंक पेज है, राइट। ब्लैंक पेज पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, सपोज हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो क्या करते हैं हम लोग ब्लैंक पेज लेते हैं, बट अगर डिजाइन अगर इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं, डिजाइन के टर्म पे लेते हैं, तो ऑलरेडी बैकग्राउंड में कुछ ऐसे डिजाइन बने होते हैं जिसपे केवल हमें राइट करना होता है, इट मीन्स इसके बैकग्राउंड में क्या होगा, एक इमेजेस होगा जिसको ऊपर में हम लोग कंटेंट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, कंटेंट हम लोग रख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ठीक है, कुछ इमेजेस भी लगा सकते हैं। डिजाइन के यूज इसलिए किया गया क्योंकि ये ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, पेज बनने के बाद ज्यादा अट्रैक्ट करे, अट्रैक्टिव लगे एंड डिजाइन भी अच्छा खासा हम लोग का बन सकता है इसके थ्रू से, डिजाइन लेयर के थ्रू से। इसमें पेज कंसीडर होगा जिसके बैकग्राउंड में कुछ इमेजेस हो सकते हैं, कुछ कलर्स हो सकते हैं जो इसको अट्रैक्ट बनाने के लिए होते हैं।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं वेनिंग के बारे में, राइट। वेनिंग क्या होगा, डायरेक्टली मर्ज होता है किसके साथ में, हम लोग का मेल के साथ में, डायरेक्टली मर्ज हो जाएगा मेल के साथ, एंड रिव्यू एंड फ्यू तो हम लोग क्या करते हैं, लुकेट करते हैं, जो भी काम किया हमने लुकेट करते हैं उसको, राइट। तो यहाँ पे जो हम लोग काम करना होता है बैकग्राउंड के लिए, जैसे मैंने बताया, तो हमने क्या किया, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, उसको हम चाहते हैं क्या है कि इस डॉक्यूमेंट के किस में रखे, डिजाइन में रखे, उसका डिजाइन भी आउट होना चाहिए, राइट। तो हमने क्या कंसीडर करा, बैकग्राउंड नहीं हमारे पास, हमने क्या बना दिया, डॉक्यूमेंट बना दिया, उसके बाद हम चाहते हैं क्या है कि उसमें डिजाइन कंसीडर हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, कंट्रोल एन लेंगे, अगर कोई काम कर रहे हैं कंट्रोल एन एन सी टी आर एम एन, इससे क्या होगा, न्यू हम लोग का ओपन हो जाएगा, न्यू ओपन होने के बाद हम लोग क्या क्लिक करेंगे, डायरेक्टली जाएंगे डिजाइन के बाद, डिजाइन में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमने काम कर रखा है यहाँ पे ब्लैंक वाले में, वहां से क्या करना है, कॉपी करना है। इट मींस कॉपी करने के लिए क्या यूज करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल प्लस सी करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, राइट। अब जो कंटेंट हम लोग बना हुआ है डिजाइन का, जो हमने सिलेक्ट करा है, उस पे क्लिक करना है, रखना है, कंट्रोल सी है, तो वहां पे क्या करेंगे, यहाँ पे जाने के बाद हम लोग क्या करना है, कंट्रोल बी सी टी आर एम प्लस बी, तो जो भी हमने कंटेंट पे काम कर उसको कहां पेस्ट कर दिया, डिजाइन पे, तो एक अट्रैक्टिव पेज यहां से हम लोग को मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग रिबन्स के बारे में, क्या होते हैं रिबन्स, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने अभी टैब पे डिस्कस करा, तो हम लोग का एक एच है, इट मींस होम इंसर्ट एंड डिजाइन। तो जैसे ही हम लोग यहां पे क्लिक करते हैं, क्या होता है, बहुत सारे टूल्स यहां पे हम लोग के हाइड रहते हैं, जो कि ओपन हो जाते हैं क्लिक करने के बाद, डबल क्लिक करेंगे वैसे ही हम लोग का ओपन हो जाएगा, और डबल क्लिक करने के बाद वो हाइड भी हो जाएगा, राइट। तो हमने क्या करा, यहां पे क्लिक करा, ठीक है, क्लिक करने के बाद जो यहां पे टूल्स आते हैं हमारे, जो भी टूल्स हमारे पास आ रहे हैं, उसी को क्या बोला जाता है, रिबन्स बोला जाता है, राइट। रिबन्स के थ्रू से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनलिटी कर सकते हैं, एंड इसके बाद फिर हम लोग का जो आई होता है इंसर्ट, इट मींस इंसर्ट, इंसर्ट को जैसे हमने क्लिक करा, डबल क्लिक करा, वैसे हमारे पास बहुत सारे टूल्स आते हैं, हेलो एवरी टूल्स को क्या बोल सकते हैं, एक रिबन्स बोल सकते हैं, राइट। आई क्लिक करा, डबल क्लिक करा, यहां पे कुछ कंटेंट आएंगे, कुछ टूल्स आएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिबन्स, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे होम पे जैसे गए थे, क्या किया हमने, होम को क्लिक करा, और यहां पे जो भी कंसीडर हो रहा है हम लोग को, टूल्स को क्या बोलेंगे, रिबन्स बोला जाएगा, राइट। टूल्स ऑफ टैब, राइट। उसके बाद देखते हैं हम लोग स्क्रोल बार, स्क्रॉल बार के थ्रू से क्या कर सकते हैं हम, उसके बारे में चेक करते हैं। स्क्रॉल बार है हमारे पास, राइट। स्क्रॉल का वर्ड से पता चल रहा है कि स्क्रॉल करना है, घुमाना है, रोटेट करना है, राइट। हमारे पास तो स्क्रॉलिंग होती है यहां पे, एक वर्टिकल वर्टिकल वे में और एक हॉरिजॉन्टल वे में, जो भी स्क्रॉलिंग होगी यहां पे हम लोग का एमएस वर्ड में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, horizontal and vertical, right? Vertical it means top to bottom, right? And left to right. Horizontal it means left to right. तो क्या करना है हमें? एक document हमने create करा, right? Tulna Protein के नाम से हमने क्या करा? एक document create करा. हमने write करा. Simple से हमने क्या करा? Tulna Protein write करा. अब हम चाहते क्या है कि ये हमारा bottom में चला जाए, right? Top में जाए या फिर bottom में जाए, हो सकता है हमने कहीं पे भी ये लिख दिया. अब मुझे क्या करना है कि इसे top में ले जाना है. क्या करना है, स्क्रॉल को, स्क्रॉल को हमें राइट मूव करना है ऊपर, इस तरीके से स्क्रॉल जो रहेगा, एक ऑप्शन रहेगा इस तरीके से, और स्क्रॉल करेंगे हम लोग राइट के साइड में, ठीक है। तो राइट करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर, इट मींस हाइट पे ले जाना है स्क्रॉल करके। तो ये हम लोग का जो टेस्ट है घूमना पड़ने की, वो क्या हो जाएगा, टॉप पे आ जाएगा, राइट, यहां पे हो जाएगा। बट इसको हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं किसमें, नीचे के साइड, ठीक है, नीचे साइड करेंगे तो क्या होगा, हम लोग घूमना पड़े बॉटम पे आ जाएगा, राइट। अब हम क्या चाहते हैं, घूमना जो टेक्निक है जो मिड में है, वो हमें क्या चाहिए, लेफ्ट साइड में चाहिए, इट मींस यहां पे चाहिए, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वाला एक स्क्रॉल यहां पे होगा, इसको हमें क्लिक करना होगा, राइट। अगर हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड में ले जाना है, तो यहां पे लेफ्ट से हम लोग स्क्रॉल करेंगे इस तरीके से, ताकि हम लोग जो घूमना टेक्निक वाला टेस्ट है यहां पे आ जाए, यहां पे, राइट, जो लिखाया हुआ रहेगा हम लोग यहां से आए। उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि ये राइट साइड में आ जाए, तो स्क्रॉल करेंगे इधर राइट साइड में, यहां पे लेफ्ट एंड राइट,
तो राइट पे जैसे स्क्रॉल करेंगे हम लोग, अगर घूमना पड़ेगी यहां पे आ जाएगा, इस पोर्शन पे जाके टच कर जाएगा। स्क्रॉल बार के बारे में याद रखेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल। इसके बाद बात करते हैं हम लोग स्टेटस के बाद कर रहे हैं। स्टेटस क्या है, स्टेटस क्या है इसका, राइट। स्टेटस के बारे में बात करेंगे तो हमें क्या करना होता है, सपोज हम क्या कर रहे हैं, किसी पेज पे काम कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, राइट। जैसे कि मैंने अभी किया गुना पॉलिटेक्निक का पेज क्रिएट किया, राइट। हमने क्या लिखा, गुना पॉलिटेक्निक। अब इसका जो स्टेटस हम लोग को बताया, कैसे बताया जाएगा, तो स्टेटस के लिए हम लोग सबसे बॉटम में होता है ऑल ऑप्शन, राइट। जो हम लोग स्टेटस बताता है सबसे नीचे में हम लोग को ये बताएगा कि जो गुमला पॉलिटेक्निक का जो काम हो रहा है, जो टेस्ट हम लोग डाल रहे हैं, कहां पे डाल रहे हैं, बॉटम साइड पे काम कर रहे हैं, पेज वन पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंसीडर होगा स्टेटस, बताया स्टेटस बार के थ्रू से, जो पेज का काम हो रहा है, जो गुमला पॉलिटेक्निक हमने क्रिएट करा, जो हमने टेस्ट बनाया, वो यहाँ पे शो करेगा सबसे नीचे। क्या शो करेगा, कौन से पेज पे काम हो रहा है, पेज वन ऑफ वन। जैसे हमने लिया है पेज वन, काम किस किस पे हो रहा है, पेज वन पे ही काम हो रहा है, राइट। तो हमने जो टेक्स्ट लिखा है पेज वन पे ही लिखा है, तो यहां पे क्या लिखा है, पेज वन, राइट। उसके बाद ये भी बताया कि काम कहां पे हो रहा है, तो एमएस वर्ड, यहां से भी हम लोग क्या बताया जाएगा, एमएस वर्ड। तो ये होता है स्टेटस बार, राइट। स्टेटस बार बताएगा, ये भी बताएगा यहां से भी जो गुना पॉलिटेक्निक में जितना टेक्स्ट यूज हुआ है, राइट। टेक्स्ट कितना है, एक दो तीन चार पांच, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन इट मीन टेन टू टेन प्लस फाइव, यहाँ पे क्या दिखा है हम लोग का टोटल वन फिफ्टीन, राइट। फिफ्टीन दिखाने के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है जिसका जूमिंग का, जूम, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा जूम का एक होगा, जूम स्पेशली किस तरीके से शो करेगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव इट मीन नेगेटिव में कम होता जाएगा, पॉजिटिव में जूम होता जाएगा, जैसे क्लिक करेंगे हम लोग पॉजिटिव को ये जूम होता जाएगा। तो स्टेटस बार में ये भी दिखाया था हम लोग का, एक जूम का बटन भी होगा जिसको हम लोग क्या करेंगे, जूम इट मींस बड़ा कर सकते हैं देखने के लिए, जो घूमना पड़ेगा उसको जूम करने के बाद ये चीज छोटा है तो बड़ा दिखाई देगा हमें। तो ये स्टेटस बार पे डिपेंड करता है कि हम लोग काम कैसे कर रहे हैं। हम लोग जैसे घूमना पड़ेगा लिखा तो किस पेज पे काम हो रहा है, राइट। उसमें जो हम लोग के वर्ड आए, कितने आए वर्ड, वो भी मेंशन होगा यहां पे, जूम भी होगा, जूम के थ्रू से हम उसे साइज का बढ़ा भी सकते हैं एट करंट टाइम के लिए, बट एग्जिस्ट नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि जो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो कर रहे हैं उसको हम लोग किस वे में यूज कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है जो हम लोग उसी पे, राइट। अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ वर्किंग के बारे में, ठीक है। एलिमेंट्री वर्किंग विथ एमएस वर्ड, एलिमेंट्री वर्किंग विथ एमएस वर्ड, राइट। तो इसमें जब किस तरीके से काम करते हैं उस सब के बारे में हम लोग जानेंगे, लिखते कैसे हैं, टेस्ट कैसे करते हैं, सिलेक्ट कैसे करते हैं टेस्ट, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्किंग विथ टेक्स्ट, फर्स्ट में देखते हैं वर्किंग विथ टेक्स्ट। टेस्ट के बारे में पता हुआ, टेस्ट होता क्या है, सपोज हमने कोई ऑटोमेटिकली यूज किया या फिर कोई नंबर हो सकता है तो उसको एक टेक्स्ट बोल सकते हैं हम लोग, राइट। क्योंकि टेक्स्ट हम लोग एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में यूज हो रहा है, वर्किंग टेक्स्ट में जो फंक्शनैलिटी होती है, टू टाइप्स हो सकते हैं, राइट। सपोज हमने कुछ लिखा कुछ भी किसी के बारे में, सपोज हमने लिखा माय नेम इज, माय नेम इज ए बी सी डी कुछ भी,
राइट। तो इसमें जो हम लोग को टर्म जो देखना है यहाँ पे टेस्ट में कि इसमें कहीं ना कहीं हम लोग का इसमें कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो स्पेस पे काम करते हैं, कुछ डिस्टेंस होता है इसमें, ठीक है। तो एक वर्किंग जो होगा इसमें हम लोग स्पेस पे देखा जाएगा, अदरवाइज अगर नहीं किया जाए स्पेस पे यूज तो क्या होगा हम लोग मंच हो जाएगा माइंड एंड पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है। इसके लिए क्या नहीं होता है, हम लोग एक स्पेस लगाना होता है टेस्ट के साथ में। टेस्ट हम लोग साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं डिक्रीज भी कर सकते हैं राइट, जो कि डिपेंड करता है हम लोग को वर्ड में जिस तरीके से टाइटल बार वगैरह यूज किया था हमने, उसी तरीके से कुछ ऑप्शन हमें वहां से होम पेज पे जाने के बाद टैब जैसे क्लिक करेंगे वहां में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, हम लोग का टेस्ट वहां से इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है राइट। और सिलेक्ट करना है, सपोज हमें क्या करना है किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, सपोज हमारे पास लिखा हुआ है वर्किंग विद टेक्स्ट राइट, तो कर्सर के थ्रू से हमें सिलेक्ट करना है तो कर्सर पे यहां पे लाएंगे कर्सर एंड ड्रैग करेंगे हम लोग कर्सर के थ्रू से इस तरीके से है। तो यहां से करने के बाद हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट करने के लिए फॉर्मेट है कर्सर को यहां पे ले जाना है फर्स्ट में इंसर्ट कराना है देन ड्रैग करना है माउस के थ्रू से यहां पे, तो टोटली हम लोग क्या हो गया ड्रैग हो जाएगा। इसके थ्रू से अगर इसमें हम चाहते हैं कि कुछ टेक्स्ट में कुछ चेंजेस करें राइट, इंक्रीज करें डिक्रीज करें, ये भी पॉसिबल है राइट। टेस्ट को हम लोग बड़ा करना है या फिर पेज भी करना है, तो इसके लिए क्या करना है इसमें सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा होम पेज में जाने के बाद वहां पे कुछ हम लोग का एक टेक्स्ट आता है साइज बढ़ाने के लिए, पेज का साइज बढ़ाने के लिए, पेज का साइज एंड स्टाइल दो चीज होते हैं वहां पे पेज स्टाइल एंड साइज। तो ये इस तरीके से होता है ये ऑप्शन हम लोग का, और यहां पे जो होगा फर्स्ट हमने पेज का स्टाइल पेज स्टाइल एंड सेकेंड में होगा हम लोग का पेज का साइज। हमें क्या करना है सिलेक्ट करने में इसका साइज सपोज हो सकता है कुछ भी हो पॉइंट्स में हो 11 हो 12 हो ठीक है, तो पेज का स्टाइल हमें क्या करना है चेंज करना है एंड पेज का जो टेक्स्ट का साइज है उसको भी बढ़ाना है। यहां पे कुछ दो मिनट के लिए रुकना पड़ेगा ठीक है। वर्किंग विद टेक्स्ट में हम लोग देखेंगे क्या करना है, जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट का जो फॉर्मेट है वर्किंग विद टेक्स्ट राइट, तो इसको क्या करना है बड़ा भी करना है छोटा भी करना है इसकी स्टाइल्स को भी चेंज करना है राइट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है होम पे जाने के बाद, होम पे जाएंगे और देखेंगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंसर्ट करेंगे यहाँ पे कर्सर एंड ड्रैग करेंगे इंसर्ट एंड ड्रैग राइट। इतना करने के बाद हम लोग का एक होम पे जाने के बाद क्या करना होता है इसे इसके साइज को बढ़ाना होता है, उसके लिए क्या करेंगे हम होम पे जाएंगे होम टैब को क्लिक करेंगे, उतना क्लिक करने के बाद एक हम लोग का रिबन ओपन होगा, रिबन तो मैंने बारे डिस्कस किया था जैसे कि आप क्लिक करेंगे जो टूल्स आते हैं उसको बोला जाता है रिबन ठीक है। तो जो रिबन आएगा उसमें कंसीडर होगा हम लोग का इस तरीके से बना होगा टेक्स्ट टेक्स्ट स्टाइल होगा टेक्स्ट स्टाइल एंड सेकेंड टेक्स्ट साइज होगा, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट जो भी काम करते हैं हम लोग एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट कैलिब्री में होता है एंड इसका जो पॉइंट्स होता है 11 होता है बाय डिफॉल्ट, इसका साइज जो होता है 11 होता है राइट। तो इतना करने के बाद सपोज हमारे पास ये हमने कंटेंट लिखा एमएस वर्ड पे, अब मुझे क्या करना है इसको चेंज करना है इसकी स्टाइल को चेंज करना है एंड इसके जो साइज है एंड स्टाइल दोनों को चेंज करना है ठीक है। तो यहां पे एक रिबन होगा यहां पे क्लिक करने के लिए एक पॉइंट्स होगा साइड में ये पॉइंट्स होगा, तो इसके थ्रू से जैसे वो क्लिक करेंगे ड्रैग हो जाएगा यहां तक टॉप टू बटन यहां पे ओपन हो जाएगा, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट और स्टाइल्स होंगे राइट। हो सकता है यहाँ पे बोल्ड बोल्ड का भी ऑप्शन होगा लिखा होगा यहाँ पे क्या बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन इस तरीके से हो सकता है न्यू रोमन न्यू टाइम्स रोमन इस तरीके से यहाँ पे लिखे होते हैं, जो ये सारे टर्म्स जो आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो क्या है हम लोग का जो टेक्स्ट का फॉर्मेट को चेंज करना है उसे स्टाइल वाइज बनाना है, उसका जो फॉर्मेट होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए, बोल्ड जैसी बात करते हैं बोल्ड इट मींस ज्यादा डार्क होगा बीजेस हमने लिखा इस तरीके से होगा ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा इटैलिक, अगर हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं किसको वर्किंग विद टेक्स्ट को, अगर हमने क्या करा बोल्ड करा यहाँ पे ठीक है बोल्ड करा, तो हम लोग का जो ये फॉर्मेट है ड्रैग कर दिया है हमने पहले ही, उसके बाद जब हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा ओके किया उस बीच में क्या होगा क्लिक करने के बाद हम लोग का जो वर्किंग लिखा हुआ अभी है इस तरीके से आएगा जो कि ज्यादा डार्क दिखाई देगा
राइट। उसके बाद अगर हम चाहते हैं क्या है, इटैलिक पोर्शन पे बात करना चाहे, इटैलिक पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये इटैलिक पे में हो जाएगा, इट मींस उस हद तक कर्सिव होगा, कर्सिव राइटिंग इस तरीके से, राइट इस तरीके से इटैलिक करने के बाद अगर हम लोग क्या करते हैं यू, यू इट मींस अंडरलाइन, अगर हम लोग अंडरलाइन को क्लिक कर रहे हैं इट मींस कुछ भी टर्म लिखते हैं, सपोज ए लिखा था ए नीचे अंडरलाइन एंड आई स्टैंड्स फॉर इटैलिक, बी मींस बोल्ड, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बोल्ड राइट। तो यहां पे हम देखेंगे अंडरलाइन के बारे में, जैसे हमने अंडरलाइन जैसे सिलेक्ट किया राइट क्लिक करने के बाद क्या होगा, जो वर्किंग लिखा हुआ है होगा वर्किंग क्या होगा, सिंपली फॉर्मेट में होगा, जो पहले से बाय डिफॉल्ट बना हुआ है उस पे एग्जिस्ट रहेगा, बट अगर हमने क्या कर दिया वहां पे यू लगाई, यू स्टैंड्स फॉर अंडरलाइन, अंडरलाइन जैसे हमने लगाया क्या होगा वर्किंग विद टेक्स्ट, टेक्स्ट में क्या होगा अंडरलाइन रहेगा नीचे, ठीक है डन है आपका। एलिमेंट्री वर्किंग विद एमएस वर्ड को हम लोग सीक्वेंस में जानते हैं राइट। फर्स्ट में हम लोग देखते हैं टू फाइंड एंड रिप्लेस कैसे करेंगे, हम लोग फाइंड कैसे करेंगे और रिप्लेस कैसे करेंगे इसके बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करा एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करा, एग्जांपल है, सबसे पहले हमने क्या करा एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करा, कुछ हमने टेक्स्ट लिखे यहां पे, बहुत सारे टेक्स्ट लिखा हमने राइट। यहां पे क्या है ए बी सी डी, जो मेन कंटेंट है वो 12 कहीं पे लिखा गया है ए बी सी डी। अब मुझे क्या करना है कि ये जो कंटेंट है एबीसीडी इसको मुझे क्या करना है, इसी जगह कुछ रिप्लेस कर किसी और नेम मेंशन करना है, एबीसीडी यहां पर अगर लिखा हुआ है तो मुझे क्या करना है यहां पे चेंज ईएफजी करना है, ईएफजी एच, हमें ईएफजी एच करना है किस जगह पे यहां पे राइट। तो हमने जब एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करा हमने राइट करा हमें क्या कुछ चेंजेस करने हैं एबीसीडी की जगह पे रिप्लेस करके हमें ईएफजी एच करना है, चलिए डायरेक्टली हम लोगों का काम हो जाएगा इसके थ्रू। तो कैसे करना पड़ेगा, होम टैब पे जाना पड़ेगा, सबसे पहले होम टैब पे जाएंगे हम लोग राइट। होम टैब पे जाने के बाद लेफ्ट साइड ऑफ स्क्रीन में एक ऑप्शन होगा हम लोग के पास जिसमें एक फाइंड लिखा होगा, यहां पे एक तरीके से लिखा होगा फाइंड, फाइंड लिखा होगा एंड रिप्लेस लिखा होगा, लेफ्ट साइड में क्या लिखा होगा फाइंड एंड रिप्लेस लिखा होगा राइट। तो यहां पे हम लोग सर्च कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं, कंट्रोल एफ भी करेंगे तो हम लोग का फाइंड हो जाएगा, कंट्रोल एफ जैसे करेंगे हम लोग को सर्च करने के लिए आ जाएगा, कंट्रोल एफ जैसे हमने करा तो यहाँ पे एक सर्चिंग बॉक्स आ जाएगा राइट। सर्चिंग बॉक्स आएगा तो उसमें अगर हम लोग एबीसीडी लिखेंगे, ए बी सी डी जैसे हमने लिखा, एबीसीडी जैसे लिखा तो जितने एबीसीडी कंटेंट आ चुके हैं इस सेंटेंस में या फिर इस पैराग्राफ में उसको क्या करेगा हाईलाइट करेगा, सर्च करने के बाद कंट्रोल एफ जैसे करा राइट, कंट्रोल एफ करने के बाद कौन सा हम लोग का हाईलाइट हो जाएगा, कौन सा टर्म एबीसीडी अगर हम लोग कंटेंट यहाँ पे सर्च बॉक्स में डालने के बाद राइट, एबीसीडी हम लोग का क्या हो गया फॉर्मेट पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। हमें क्या करना है कि इसे रिप्लेस करना है एंड रिप्लेस करने के बाद क्या डालना है ई एफ जी एच डालना है राइट। तो क्या करेंगे इसी चीज पे हम लोग क्या चेंज करेंगे कंट्रोल एच, डायरेक्टली हम लोग क्या प्रेस करेंगे कंट्रोल एच कीबोर्ड के थ्रू से एंड राइट करेंगे ई एफ जी एच, वैसे करने के बाद हम लोग क्या ये डायरेक्टली मूव हो जाएगा किसमें ई एफ जी एच, ई एफ जी एच जितने भी कंटेंट आए हुए यहाँ पे ये सारे चेंज हो जाएंगे ई एफ जी एस टोटली चेंज आएंगे यहां से राइट। तो यही हम लोग फाइंड एंड रिप्लेसमेंट, फाइंड के लिए याद रखेंगे कंट्रोल एफ होगा यूज, डायरेक्टली प्रेस करेंगे हम लोग कीबोर्ड को उसे कंट्रोल एफ करेंगे, जैसे हमारे पास क्या आ जाएगा जिस टर्म को हम रिप्लेस करना है उसका नेम मेंशन करेंगे, सपोज हमने क्या किया था एबीसीडी तो एबीसीडी यहां पे राइट करेंगे तो एबीसीडी करने के बाद क्या हो जाएगा हाईलाइट हो जाएगा, जिसको हमें क्या करना है चेंजेस करने हैं राइट।
चेंजेस कर दिया हमने, यहाँ पे दिखा रहा है कि हर एक पोर्शन ओपन हुआ। उसके बाद हम लोग क्या चाहते हैं इसको कि रिप्लेस कर देना है, राइट। तो रिप्लेस करने के लिए क्या करना होगा, कंट्रोल एस हम लोग प्रेस करेंगे और वहां पे राइट करेंगे ई एफ जी एच, जहां पे ए बी सी डी लिखा होगा वहां पे क्या करेंगे ई एफ जी एच, तो सारा टर्म हम लोग चेंज हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा ए बी सी डी, किसमें ए बी सी डी कन्वर्ट टू ई एफ जी एच, राइट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टू चेंज द फॉन्ट, फॉन्ट को कैसे चेंज करना है। सपोज हमने राइट किया कुछ पैराग्राफ, राइट किया पैराग्राफ, राइट किया हमने कुछ भी, राइट। इसको क्या करेंगे हम लोग ड्रैग करेंगे, कैसे भी ड्रैग करें और माउस टूल से हम ड्रैग करके फिर यहां पे हाइड कर दिया, हम इसको हाईलाइट कर दिए। देन इसके बाद क्या होगा, इतना करने के बाद हमें किसमें जाना होगा, होम के बटन पे। होम बटन को क्लिक करने के बाद हम लोग का एक रिबन्स ओपन होगा, राइट। रिबन्स ओपन होगा, रिबन्स ओपन होगा वहां पे क्या मेंशन रहेगा, फॉन्ट स्टाइल या फिर टेक्स्ट स्टाइल, जिसको फॉन्ट को हम क्या बोल सकते हैं, फॉन्ट या फिर टेक्स्ट। फॉन्ट स्टाइल सपोज हमारे पास, ठीक है, तो वहां पे जो होगा एक टेक्स्ट का साइज होगा, जो ऑप्शन होगा होम क्लिक करने के बाद टेक्स्ट का साइज होगा एंड नेक्स्ट उसका स्टाइल होगा, टेक्स्ट स्टाइल, राइट। टेक्स्ट साइज हम लोग बाय डिफॉल्ट 11 होता है, कैलिब्री फॉर्म में होता है, कितना होता है पॉइंट्स में होता है, जो साइज होता है पॉइंट्स में होता है, कितना होता है 11। जब हमने राइट किया यहाँ पे कंटेंट जो राइट कर रहा है, जैसे माई लिखा एम वाई माई लिखा, तो ये हम लोग का कौन सा स्टाइल है, कैलिब्री, ठीक है। और जो हम लोग पॉइंट्स है इसमें, पॉइंट्स कितने हैं 11, बाय डिफॉल्ट इसका जो साइज है पॉइंट्स में 11 ही है, राइट। तो इसको मुझे क्या करना है, क्लिक करना है और बनाना है माई को कुछ बड़ा, बनना है इसको जूम टाइप में बनाना है, जो साइज हम लोग का 11 है उसको क्या कर देना 22। सपोज हमें क्या करना है 22, तो यहाँ पे पॉइंट्स होगा उसको क्लिक करेंगे ड्रैग हो जाएगा टॉप टू बॉटम, राइट। टॉप टू बॉटम होगा तो सारे साइजेस यहाँ पे होंगे मेंशन, 1 to 58 तक यहाँ पे होगा और उसके बाद 62 तक भी होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है 22 हम लोग को लेना है, 22 को हमने क्लिक करा, टेस्ट का साइज को क्या करा 22 हमने क्लिक करा, तो जो माई का साइज है वो बड़ा हो जाएगा, 20 साइज में बनेगा, राइट। बड़ा करने के बाद हम क्या चाहते हैं कि जो इसका पॉइंट्स में है वो साइज 22 है एंड जो इसका टेक्स्ट स्टाइल है जो बाय डिफॉल्ट का कैलिब्री का वो चेंज हो जाए, हम क्या चाहते हैं क्या है कि वो बोल्ड में बने, बड़ा बोल्ड में है। तो यहाँ पे हम लोग का एक ड्रैग है, यहाँ पे बटन होगा, बटन को क्या करेंगे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे टॉप टू बटन एक बहुत सारे स्टाइल का नेमिंग आएगा जिसमें बहुत सारे मेंशन होंगे स्टाइल्स, न्यू रोमन टाइम्स हो सकता है, बोल्ड इटैलिक एंड समथिंग, राइट। तो इसमें क्या करना, मुझे सपोज यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन दिखाई दिया, बोल्ड का ऑप्शन दिखाई दिया, बोल्ड पे जैसे ही क्लिक करा हमें तो जो माई है माई डार्क हो जाएगा, बहुत डार्क डार्क हो जाएगा, राइट। ये डार्क हो जाएगा, इसका साइज भी बड़ा हम लोग का, इसके थ्रू से फॉन्ट स्टाइल के थ्रू से साइज भी बढ़ रहा है, इसका स्टाइल भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग टू चेंज टेक्स्ट अलाइनमेंट, इसमें हम लोग ऐसे टू चेंज द फॉन्ट, हमने क्या किया होम पे गए, राइट। होम पे जाने के बाद वहां पे एक पोर्शन आया था जिसपे क्या कंटेंट लिखा हुआ था, फॉन्ट स्टाइल एंड साइज, स्टाइल एंड साइज वहां से हमने चेंज करा, राइट, कंप्लीटेड है यहां पे। इसके बाद आता है टू चेंज टेक्स्ट अलाइनमेंट, ठीक है। टेक्स्ट अलाइनमेंट में काम करना है, ठीक है, हमारे पास एमएस वर्ड भी यहां पे ओपन है, राइट है, स्क्रीन ओपन है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे टैब है, राइट, टैब है। तो अब हमें क्या करना है, कुछ हमें टेक्स्ट लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है, टेक्स्ट लिखने हैं बहुत सारे यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है। हमने एक पैराग्राफ राइट भी कर दिया यहाँ पे, अब हम लोग जो चाहते हैं कि जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसका एक फिक्स साइज हो, लेफ्ट टू राइट एक फिक्स साइज है, कहां से स्टार्ट होना है कहां पे जाके बंद होना है, ठीक है। एक पैराग्राफ को सेम पैटर्न में बनाने के लिए क्या करना, उसके पैटर्न को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो लेफ्ट कॉर्नर है एंड राइट कॉर्नर में कितना कितना मार्जिन ले रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या करना होगा, इसका अलाइनमेंट चेक करना होगा हमें,
ठीक है। तो यहाँ पे होम में जाने के बाद यहाँ पे एक हम लोग के पास ऑप्शन होता है, इसमें होगा होम में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन टैब को जैसे क्लिक करेंगे, होम टैब को क्लिक होने के बाद यहाँ पे क्या है रिबंस आ जाएंगे, ठीक है। रिबंस आने के बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, इस रिबंस में जो मेंशन होगा इस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिकिंग बटन साइड का होगा एंड इसमें अलाइनमेंट अलाइनमेंट के लिए रखा हुआ है, इस तरीके से वहां पे साइन बना हुआ, ठीक है। साइन जो बना हुआ इसमें हम लोग को चेंज करना है, क्या करना है कि जो कंटेंट लिखा हुआ जो पैराग्राफ लिखा हुआ हम लोग लेफ्ट साइड में रहे, ठीक है। वो कहां है लेफ्ट साइड में रहे। स्टार्ट किससे और लेफ्ट साइड में, हमने बाय डिफॉल्ट लिखते रहे यहां पे, ठीक है। तो हम लोग का जो कंटेंट होना चाहिए लेफ्ट, तो ये जो सारा जो मार्जिन बनेगा हम लोग का जो भी हम लोग पैराग्राफ लिखेंगे सारा का सारा टर्म हम लोग ये चेंज होकर के यहां से स्टार्ट होगा इस पोर्शन से, ठीक है। चेंज अलाइनमेंट में लेफ्ट किया हमने राइट, उसके बाद क्या करना है राइट साइड में ले जाएंगे। अब क्या करना है राइट साइड में ले जाना है, लेफ्ट कर दिया हमने, अब क्या करना है राइट करना है। राइट साइड में देखना हमें कि राइट साइड से जो कंटेंट हम लोग का बन रहा है वो कहीं किसी तरीके से क्रॉस ना हो, इस मार्जिन से क्रॉस ना हो, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, हम जो राइट कर रहे हैं यहाँ पे लिखते चले जाएंगे, आज हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से इसमें बना भी हुआ रहेगा, जो लाइनिंग स्पेसिंग बना रहेगा यहाँ पे एक रिवर में इस तरीके से लेफ्ट जैसे जाता है, जैसे हमने ओपन किया राइट, ओपन किया तो जो लेफ्ट पोर्शन हमें हम लोग को करना है तो क्या करना होगा यहाँ पे ओपन हुआ इस तरीके से, और इस तरीके से आया हुआ रहेगा स्टार्टिंग मार्जिन यहाँ पे एडिट हो सकता है बीच में कहीं भी हो सकता है, बट जो लेफ्ट साइड का होगा यहाँ पे इनिशियल स्टार्ट से सेव रहेगा सबका ये। तो ये लेफ्ट साइड का जो हम लोग अलाइनमेंट कर रहे हैं पैराग्राफ का वो यहाँ से फिक्स होगा राइट, यहाँ से फिक्स रिटर्न जाएगा, बट उसी में अगर हम लोग राइट करना चाहेंगे राइट, राइट में जाएंगे तो देखेंगे क्या होगा, जो हम पैराग्राफ राइट कर रहे हैं वो जो पोर्शन है राइट राइट जब हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो ये राइट साइड में जाके ये फिक्स रहेगा, ये चेंज हो जाएगा इसमें यहां तक जाएगा स्टार्ट कहीं से हुए बट यहां पे जाएगा इन होगा, ठीक है। यहां पे जाके इन होगा कि ये कहीं से भी बंद हो सकता है, हो सकता है ये यहां से भी बंद हो, इसको मेंशन नहीं किया है बट मेंशन किसको जाएगा राइट साइड जो होना चाहिए सेम पॉइंट पे हो, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट का पोर्शन देख चुके हैं हम लोग एंड देखेंगे इसमें एक मिडिल पोर्शन जिसको सेंटर भी बोल सकते हैं, सेंटर सेंटर के बारे में देखते हैं, सेंटर के बारे में बात करेंगे राइट। तो सेंटर में जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया माय नेम लिख दिया राइट कर दिया हमने माय नेम, ठीक है। अब मुझे क्या करना है सेंटर में लाना है, ठीक है। सेंटर में लाने के लिए वहां पे आइकन्स में कुछ इस तरीके से दिया रहेगा पैटर्न, ठीक है, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो ये जो माय नेम है यहां पे अभी तो साइड में लग रहा है लेफ्ट साइड में, बट ये चेंज हो जाएगा किसमें बिल्कुल ही मिड में, यहां से यहां का मार्जिन सेम हो और इसी बीच में क्या हो माय नेम, बट इस पॉइंट से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये सेंटर के टर्म में आता है। फिर इसके बाद आता है जस्टिफाई, एक और टर्म आता है जस्टिफाई, ये सेम एज होता है सेंटर के तरीके से, ये इक्वल होता है लेफ्ट राइट दोनों क्या होता है इक्वल मार्जिन पे होता है सेम टू सेम, जस्टिफाई में भी यही होता है लेफ्ट टू राइट क्या होता है सेम मार्जिन पे होता है, ठीक है। बट ये थोड़ा अट्रैक्टिव होता है, इसका जो यूज होता है जस्टिफाई का वो न्यूज पेपर या फिर पैराग्राफ राइटिंग या फिर बुक्स बुक्स जो हम लोग करते हैं क्या पब्लिशिंग करते हैं उसमें राइट करने के लिए यूज होता है जस्टिफाई का, ठीक है। सेम एज और चलेगा सेंटर, डन याद है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग लाइन स्पेसिंग के बारे में राइट, लाइन स्पेसिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। लाइन स्पेसिंग काम कैसे करता है, सपोज हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करा हमने, ठीक है, डॉक्यूमेंट कोई क्रिएट करा हमने पैराग्राफ में कुछ राइट भी कर दिया, लिख दिया हमने यहां पे गुमला पॉलिटेक्निक, गुमला पॉलिटेक्निक चंदाली गुमला राइट, जो ये आया हुआ ये पोर्शन बाय डिफॉल्ट है,
ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये हमने राइट करा था। लाइन स्पेस में क्या देखेंगे, स्पेसिफिक इन बिटवीन स्पेस देखना है, किसका किसका, इन बिटवीन टू लाइंस क्या स्पेस बच रहा है बीच में। ठीक है, जैसे हमने घुमना पॉलिटेक्निक हमने लिखा, यहाँ पे घुमना पॉलिटेक्निक लिखने के बाद हम लोग का यहाँ पे इंटर किया जाएगा, इंटर करने के बाद डायरेक्टली हम लोग का यहाँ पे मूवमेंट हुआ सबसे नीचे से, फिर हमने राइट करना स्टार्ट किया। ठीक है, बट ये एक कैलकुलेशन है, कहां से कहां, अगर एक लाइन में है घुमना लिखा हुआ है, दूसरे में क्या है चंदानी फर्स्ट लिखा हुआ है, तो इसमें भी कुछ टर्म्स होंगे, इसमें जो स्पेसिंग आ रहा है इसमें भी कुछ टर्म्स होंगे, कुछ अप्लाई हुआ होगा। ठीक है, जिसको लाइन स्पेसिंग बोला जाता है, लाइन स्पेसिंग का भी एक पॉइंट होता है कि कितने पॉइंट में मुझे काम करना है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे जैसे हम लोग लिखे यहाँ पे, तो क्या हुआ होम बटन होगा यहाँ पे होम। ठीक है, होम में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग दिखाई देगा कुछ इस तरीके का सर्कल दिखाई देगा, इस तरीके से स्क्वायर दिखाई देगा, यहाँ पे इस तरीके से होगा, यहाँ पे क्लिक करने का ऑप्शन होगा। राइट, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का कुछ पॉइंट्स कहाँ आ जाएंगे, इस तरीके से ओपन हो जाएगा, टॉप टू बटन 1.0 1.5 एंड 2। तो मुझे क्या करना है, इसको जो यूज करना है, ठीक है, जो पॉइंट्स में यूज करना है लाइन स्पेसिंग को 1.0 में करना है, हो सकता है बाय डिफॉल्ट ये 1.5 पे हो, लेकिन अगर हम लोग इसको ड्रैग करते हैं बाय माउस के थ्रू से, इंसर्ट पे यहां पे ड्रैग करते हैं, माउस कर्सर को यहां पे लाते हैं, ड्रैग करते हैं माउस के थ्रू से पूरी तरीके से, ठीक है, सिलेक्ट कर दिया हमने, सिंपली नहीं बोला था हमने क्या किया, सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट जैसे ही करा हमने, तो हमने क्या करना है, इस मार्जिन को चेंज करना है, इस लाइन स्पेसिंग को चेंज करना है, मुझे क्या करना है 1.0 बनाना है। ठीक है, तो 1.0 करने के लिए क्या करेंगे, यहां पे क्लिक करेंगे 1.0 पे, तो 1.0 पे जैसे क्लिक करेंगे बाय डिफॉल्ट अगर ये रहा होगा 1.5 तो चेंज हो जाएगा 1.0 में। ठीक है, 1.5 तक तो कुछ ज्यादा स्पेस हो घूम रहा है, उसके बाद जो स्पेसिंग आ रहा है ये ज्यादा हो जाएगा, चंदारे के ज्यादा होगा, बट इसमें क्या करा हमने 1.0 यूज करा, तो क्या होगा ये यहाँ पे कुछ ऊपर चला जाएगा। जो भी चेंजेस हो रहे हैं हम लोग यहाँ पे गुमला पॉलिटेक्निक चंदाली गुमला, राइट, तो यहाँ पे जो गुमला है फर्स्ट लेटर जो है होगा GUMLA गुमला, वर्ड गुमला है एंड चंदाली है, तो जो इसमें जो स्पेसिंग बन रहा है उसका साइज में बनाना है, क्या करना है 1.0। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, आइकन्स क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे 1.0 1.0 कैसे करेंगे, इस बट इसको क्या करना पड़ेगा, ड्रैग करना पड़ेगा, इस ऑप्शन को ड्रैग करना पड़ेगा। ठीक है, ड्रैग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे 1.0 पे जैसे क्लिक करेंगे इसका स्पेसिंग चेंज हो जाएगा इन बिटवीन पैराग्राफ गुणा एंड सी, राइट। अब बात करते हैं हम लोग लिस्ट के बारे में। ठीक है, होम पेज में सबसे पहले हम लोग क्या जाएंगे, होम पेज में जाएंगे, लिस्ट क्रिएट करना है, इंग्लिश क्या सपोज हमारे पास बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं, आइटम्स को किसी भी टर्म में लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, हो सकता है कुछ आइटम्स मैं लिखता हूं क्या, पेन बुक्स एंड बैग, ये हमारे पास थ्री आइटम्स है, बट इसको क्या करना है, लिस्ट बनाना है, तो लिस्ट बनाने के लिए उसे मेंशन किया जाता है, उसमें क्या मेंशन करना है, पेन हो सकता है कैटेगरी वाइज बनाना है, कैसे सीरियल वाइज सीक्वेंस वाइज में अरेंज करना है, 1, 2 एंड 3, तो ये सारा जो हम लोग अरेंजिंग करना है। ठीक है, लिस्ट क्रिएट करने के लिए अरेंज करना पड़ेगा या सीक्वेंस में, हो सकता है अल्फाबेटिकली ए बी सी डी कर रहे हैं हम लोग, 1, 2 कर रहे हैं, या फिर कुछ फुल स्टॉप्स आइकन्स वगैरह लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लिस्ट के थ्रू से हमें क्रिएट करना है, ये लिस्ट तीन लिस्ट है जिसको मेंशन करना है हम लोग ए बी सी डी या फिर 1, 2, 3 के थ्रू से। तो हम लोग होम पेज में जाएंगे और वहां पे एक कमांड होगा, ठीक है, जिसपे हम लोग क्लिक करेंगे, एक लिस्ट का कमांड होगा वहां पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो वहां पे नंबरिंग का भी होगा और कुछ मार्क इस तरीके से दिखाया होगा, स्क्वायर भी दिखाया होगा, बट डार्क होगा, बहुत सारे आइटम्स वहां पे नजर आ सकते हैं हम लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोग जब ये बनाए, हम लोग एक लिस्ट बना रहे हैं एमएस वर्ड के साइड में, राइट करने के बाद क्या करेंगे, इसको ड्रैग एंड सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे इसमें, ये कमांड पे जाएंगे, लिस्ट कमांड पे, वहां पे हमें क्या करना है, सर्कल वाला पॉइंट रखना है, सर्कल, तो सर्कल को जैसे क्लिक करेंगे सर्कल ये तीनों पे आ जाएगा। अगर हम लोग नंबरिंग करना चाह रहे हैं, नंबरिंग क्लिक करेंगे तो क्या होगा 1, 2, 3, राइट, तो लिस्ट यही मेंशन कर रहा है कि जो कि हम लोग आइटम्स है उसको एज ए सीक्वेंस अरेंज करना। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग हाइपरलिंक्स। ठीक है,
हाइपरलिंक का क्या रोल है देखते हैं हम लोग इसमें। इसमें जो वर्ड आ रहा है हाइपरलिंक, राइट, हाइपरलिंक इट मींस टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, बोल सकते हैं हम लोग क्या, टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। कैसे डिफाइन करना है आपको हाइपरलिंक को, टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, ठीक है। इट मींस क्या, अगर कोई सिलेक्ट हमारे पास क्या है कोई एक टेक्स्ट कर, ठीक है, उस टेक्स्ट में क्या करना है क्लिक करना है और हम लोग पास एक न्यू पेज ओपन हो जाए जिसमें कुछ टेक्स्ट भी हो सकते हैं या फिर इमेजेस हो सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट इसका एक वेब पेज से, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जैसे हमने एक लिंक को क्या करा, क्लिक करा, ठीक है, क्लिक करने के बाद क्लिक जैसे करे हमारे पास क्या है, एक न्यू वेब पेज ओपन होगा, ठीक है, जिसमें हो सकता है नेम मेंशन हो, कुछ भी मेंशन हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकते हैं, ऑडियो वीडियो इमेजेस इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है। तो हाइपरलिंक का यही कॉन्सेप्ट है कि टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, इट मींस कोई टेक्स्ट हम लोग रख रहे हैं तो उसमें क्या हुआ आइडेंटिटी पे रहेगा एक टेक्स्ट या फिर इमेजेस जो इन्फॉर्मेशन हम लोग क्रिएट करना है, ठीक है, या फिर किसी को इन्फॉर्मेशन देना है जिस टाइप में देना चाहे हम लोग। तो हमें एक हाइपरलिंक क्रिएट करना है, एक लिंक क्रिएट करना है, सिंपल वे में बोला जाए तो एक हमें लिंक क्रिएट करना है, ठीक है। हमने क्या लिंक क्रिएट करा है यहाँ पे एबीसीडी, सपोज हमने क्या किया एबीसीडी लिंक क्रिएट करना है, ठीक है। इट मीन्स एबीसीडी जब लिंक किया हुआ है आप लोग तो हमें क्या करना है, जैसे इसको क्लिक करेंगे डायरेक्टली हम लोग मूव हो जाएंगे न्यू पेज पे, ये एक लिंक बनाया हुआ है, आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो कहां चले जाएंगे, एक न्यू पेज पे चले जाएंगे हम लोग, न्यू पेज पे चले जाएंगे, राइट। तो इसके लिए कैसे बनाना होता है, सबसे पहले इंसर्ट में जाना होता है, ठीक है, इंसर्ट टैब में सबसे पहले जाएंगे इंसर्ट टैब, ठीक है, वहां पे एक होगा हाइपरलिंक कमांड, उसके बाद कौन सा ऑप्शन चुनेंगे इंसर्ट के बाद हाइपरलिंक कमांड, उसको क्लिक करेंगे तो कुछ हम लोग पास एक डायलॉग बॉक्स आएंगे, ठीक है, जहां पे हम लोग एबीसीडी का रिटर्न है, यहाँ पे एक वर्ड फाइल में हम लोग बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, वहां पे एबीसीडी लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे इसको सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे वहां से हाइपरलिंक कमांड में जाकर के, ठीक है। उसके बाद जाने के बाद क्या करेंगे क्लिक कर देंगे उस डायलॉग बॉक्स में, जाने के बाद हाइपरलिंक कमांड में जाने के बाद एक डायलॉग न्यू आता है, हम लोग का एक ओपन टैब आता है, ठीक है, उसमें कुछ पोर्शन क्या होगा इंक्लूड करेंगे एंड एबीसीडी राइट करने के बाद उसमें क्या करेंगे हम लोग क्लिक कर देंगे ओके बटन, तो उससे एक लिंक बनेगा, ठीक है। लिंक के थ्रू से हम लोग कुछ वेबसाइट को हम लोग भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली मूव कर सकते हैं, बट उसका एक लिंक होना चाहिए हमारे पास में, ठीक है। हो सकता है हमारे पास एमएस वर्ड का कोई लिंक बनाया हुआ है, हो सकता है एक पेज बनाया है और उस पेज में एक लिंक डाला हुआ है, हो सकता है गुमराह पॉलिटेक्निक, इसे एग्जांपल में इस तरीके से देना चाहूंगा, गुमराह पॉलिटेक्निक का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। सपोज हमने सिंपल वेब पेज बनाया है, उसमें डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें कहीं कहीं हमने देखा आपको साइड में अगर ज्यादा जानकारी अगर चाहते हैं तो आप क्या करें इस लिंक को क्लिक करें, तो हम लोग क्या करते हैं इस लिंक को जैसे क्लिक करेंगे डायरेक्ट मूव हो जाएंगे हम लोग एक न्यू पेज में, ठीक है। तो हाइपरलिंक का यही रोल है, इसमें क्या होता है टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट मींस कुछ इंफॉर्मेशन इसमें हाइड होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग पिक्चर इंसर्ट कैसे करना है हम लोग को, ठीक है। एमएस वर्ड स्क्रीन ओपन है हमारे पास, राइट। अब मुझे क्या करना है कि इसमें एमएस वर्ड का जो फाइल ओपन है ब्लैंक पेज में हम लोग का एक इमेज क्लिक करना है, स्टोर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इंसर्ट का टैब में जाएंगे, राइट, इंसर्ट टैब में जाएंगे, क्लिक करेंगे और वहां से एक ऑप्शन मिलेगा पिक कमांड का, पिक कमांड का एक ऑप्शन होगा पिक्चर, यहाँ पे एक कमांड होगा, ठीक है। जैसे हम लोग इसको क्लिक करेंगे हम लोग का ये पाथ को एक्सेस करेगा, कनेक्ट करना चाहेगा, ठीक है, एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होगा यहाँ से, जैसे हम पिक्चर क्लिक करा न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें दिस पीसी डेस्कटॉप वगैरह डॉक्यूमेंट सारा मेंशन होगा। अब मुझे इसके थ्रू से ये पता चल रहा है कि पाथ दे रहा है, इसको क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है, हमें एक पाथ मिल रहा है, एक वेब मिल रहा है जिसके थ्रू से हम लोग क्या करें पिक्चर को इंसर्ट करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कर्सर रखना पड़ेगा बीच में कहीं भेज होगा, उसके बाद पिक्चर का कमांड पे जाना होगा, क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद हम लोग जो पाथ है उस पाथ में जाना होगा, उस पाथ में जैसे के लिए बहुत सारे ऑप्शन होगा, यहाँ पे डेस्कटॉप भी होगा, अगर हमने इमेज रखा है डेस्कटॉप पे तो यहाँ पे डेस्कटॉप को क्या करेंगे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे वहां पे डेस्कटॉप हमारा ओपन हो जाएगा, वहां पे जो भी हम लोग इमेजेस है शो करने लगेगा, ठीक
ठीक है, जो इमेज हमें शो करना है उसको क्या करना है, क्लिक करना है, ओके करना है, यहां से नीचे जो डायलॉग बॉक्स दिया हुआ है उसे ओके करना है, डायरेक्टली इसमें मूव हो जाएगा हम लोग का ये पेज में जो ब्लैंक पेज है उसमें हम लोग का ड्रैग हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टोर हो जाएगा यहां से इमेजेस जो हम लोग पिक्चर्स में ऐड करना चाह रहे हैं, राइट। उसके बाद देखेंगे हम लोग हेडर्स एंड फुटर्स के बारे में, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं बुक का, राइट। हमारे पास एक बुक है, ठीक है, बुक कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉपी में रिटर्न होगा। सिंपल वे में बोला जाए तो हमें एक बुक लिखना है, ठीक है, और बुक हमें जब लिखना है तो पहले क्या करेंगे हम लोग, टाइपिंग करेंगे उसमें, टेक्स्ट टाइपिंग करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट का फॉर्मेट देखेंगे, साइज देखेंगे क्या है, और हम लोग क्या करेंगे, टाइपिंग करेंगे, अरे बुक बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो बहुत सारे हमने बहुत सारे पेजेस हमने यूज किए इस पे, ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल पेजेस हमने यूज किए इस पे, ठीक है। बट हमें इसमें एक प्रॉब्लम ये हो जाता है, हमने तो ये लिखा लेकिन हमें क्या पता है कि कौन सा पेज कब करना पढ़ना है। कभी कभी ये भी आइडेंटिफाई करना होता है कि सपोज हमारा पेज ये ओपन है और मल्टीपल ऑफ पेजेस यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास, तो क्या करना होगा, हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा पेज आज हम लोग कर रहे हैं, कौन सा पेज आने वाले टाइम पे करना है। तो उसको हम लोग एक चेक करने का एक मेथड है जिसके थ्रू से पेज के थ्रू से पेज नंबर से हम मार्क कर सकते हैं कि पेज नंबर हम लोग का 1 है 2 है 3 4 5, ठीक है, इंक्रीज कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि हम लोग का सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, हेडर्स एंड फुटर्स। कभी कभी हमने ये भी देखा होगा कोई डॉक्यूमेंट अगर हमारे पास पीडीएफ फाइल में आ गया, जब ओपन करते हैं तो हम लोग का एक तो पेज नंबर यहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ पे हो सकता है किसी एक टेक्स्ट लिखा हुआ, टाइटल लिखा होता है, ठीक है। हो सकता है हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल, तो यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल एवरी पेजेस में मिलेंगे, हमें एवरी पेजेस में कंप्यूटर फंडामेंटल लिखा हुआ एवरी पेज मिलेंगे। तो ये किसका रोल होता है, हेडर्स का, ठीक है। हेडर्स के थ्रू से क्या करते हैं, हेडर्स में जैसे एक आइकन होता है, हेडर्स में जाने के बाद, ठीक है, क्या करते हैं, हेडर्स में जाने के लिए कैसे करना होता है, हमारे पास एक ब्लैंक पेज है, राइट, या फिर रिटर्न भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास सपोज एक ब्लैंक पेज है, हमें क्या करना है, उसमें पेज मेंशन करना है, ठीक है। तो हम सबसे ऊपर पोर्शन में टॉप साइड में क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करेंगे, वैसे ही हम लोग के पास एक ड्रैग हो जाएगा एक लाइन यहाँ पे। आप यहाँ पे क्या लिखना चाहेंगे, हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल, उसके बाद क्या करेंगे, क्लोज, एक क्लोज का भी ऑप्शन होगा, वहीं पे कमांड होगा किसका, हेडर एंड फुटर का एक कमांड होगा जिसमें लिखा होगा क्लोज हेडर एंड फुटर, राइट। तो वहां से हम उसको जैसे करेंगे कैंसिल, उसके बाद जब चेक करेंगे तो हम लोग को ये कंप्यूटर फंडामेंटल एवरी पेजेस में मिलेंगे, ठीक है, या फिर पेज नंबर भी मेंशन करना चाहेंगे तो वो भी हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्क होता है हम लोग का इसमें किसमें हो रहा है, टॉप साइड में हो रहा है। अब हेडर पे जैसे की बात करते हैं, हेडर तो हम लोग का ये टॉप कहलाएगा, ठीक है। बॉटम जैसे आएगा, बॉटम इट मींस फुटर्स, फुटर्स हम लोग का यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी वर्किंग करेंगे हम लोग यहाँ पे करेंगे फुटर्स में, यही सब चीज हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं, बट इस पोर्शन को क्या बोला जाता है, हेडर, राइट, इसको फुटर्स, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे पेज लेआउट के बारे में, पेज लेआउट के बारे में। पेज लेआउट हम लोग टू टाइप्स होते हैं, एक पोर्ट्रेट होता है, एक पोर्ट्रेट होता है लैंडस्केप, सेकेंड होता है लैंडस्केप। टू कंडीशन होते हैं पेज लेआउट में, पोर्ट्रेट साइज में होगा, एक लैंडस्केप में होगा, राइट। पोर्ट्रेट में हम लोग एक सीक्वेंस होगा इस तरीके से, ठीक है, जैसा ए फोर शीट हम लोग देखते हैं उस तरीके से, ठीक है। और हम लोग लैंडस्केप जो होगा ए फोर का है, सपोज ये हमारा ए फोर पोर्ट्रेट क्या है, हम लोग ए फोर शीट है, बट लैंडस्केप में जैसे इसको चेंज करेंगे हम लोग तो जो ए फोर है इस तरीके से हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली मूव हो जाएगा लैंडस्केप में, राइट। उसके बाद देखेंगे हम लोग पेज का साइज, ठीक है। पेज के साइज के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं तो जनरली हम लोग क्या देखते हैं, अगर हमारे पास कोई प्रिंट कराना है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट कराना है, कुछ पेजेस निकालने हैं प्रिंटर के थ्रू से, ठीक है, तो जो पेजेस साइज होते हैं एक्चुअली हमारे पास ए फोर शीट ज्यादा होते हैं, क्योंकि ए फोर शीट को डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है हम लोग प्रिंटर के साथ में, कहीं भी सेटअप होता है तो ए फोर शीट में ही जल्दी किया जाता है, क्योंकि ए फोर शीट हमें अवेलेबल होता है। वर्किंग भी यहाँ पे दिखा जाए तो ए फोर शीट सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो ए फोर शीट सपोज हमारे पास ये है, साइज बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हो सकते हैं, ए फोर ए सिक्स के हो सकते हैं,
एंड कुछ पॉइंट्स में मार्जिन कुछ के मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। A4 एंड A6, A4 के पास सपोज हम लोग का ये है पेज A4, ठीक है। A4 का साइज हम लोग का डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं देखता हूं टेबल्स के बारे में, ठीक है। टेबल्स के बारे में जब देखते हैं टेबल्स, ठीक है, टेबल्स में हम लोग क्या होगा, सपोज हमें क्या करना है, टेबल्स के थ्रू से एक स्टूडेंट्स का डिटेल्स हमें बनाना है, ठीक है, स्टूडेंट का डिटेल्स बनाना है, ठीक है। किस क्लास में पढ़ता है वो, कौन सा सेक्शन में है, रोल नंबर क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, तो उससे कुछ इंफॉर्मेशन हमें नीड होती है। उस इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना है, कीप करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है, ठीक है, एक टेबल्स में। तो इसके लिए यूज होता है टेबल्स में, किस तरीके से इंफॉर्मेशन को अरेंज करना इन सीक्वेंस में, उसी को हम लोग टेबल्स बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या रिकॉर्ड करना है, स्टूडेंट का नेम, नेम राइट, नेम है। उसके बाद कौन सी क्लास में पढ़ता है, ब्रांच क्या है उसका, उसके बिहार पे हम लोग यहाँ पर राइट करते हैं, हम लोग ये हेडिंग पोर्शन सेम होता है, जो चेंजेस होते हैं इसमें होते हैं, ठीक है। नेम हो सकता है यहाँ पे ए है, राइट, क्लास सेक्शन ए, ब्रांच सिविल, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप मल्टीपल ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, टेबल के थ्रू से। पर टेबल हमें क्या करना पड़ता है, अटैचमेंट देना पड़ता है टेबल का, ठीक है, अटैचमेंट देना पड़ता है। ये क्या है, 3x3 रो एंड कॉलम क्या है, 3x3। तो हम लोग एक टेबल का ऑप्शन होगा, इंसर्ट में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक टेबल का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, टेबल का ऑप्शन मिलेगा। हमें क्या करना होगा, ड्रैग करने के लिए होगा, बटन बहुत सारे होंगे यहाँ पे, टेबल बहुत सारे होंगे 3x3 का, ठीक है, 3x3 का टेबल बहुत सारे होंगे, तो यहाँ से हम ड्रैग करते हुए यहाँ पे जाएंगे, और 3x3 को जब कंसिडर करेंगे तो हम लोग का ये इस तरीके से टेबल बनकर आ जाएगा, राइट। Thank you.